इतना था पहले, इतना था और अभी देखें जब भी कोई आता है तो यहाँ से उसको पहले बोलते हैं कि आप रुक जा अभी हम बाथरूम में, कोई भी मेहमान आता है ना उसको बाहर जाना रोक के। और इसकी कुंडी भी नहीं है ना, अंदर से मैं दिखाती हूँ, ये देखें टूट गई है बेटा सब कुछ, देखें कुंडी भी नहीं है कि अंदर से बंदा कुंडी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चेहरे बहन भाइयों, कल आप लोग के साथ शेयर किया था कि जो है ना हम लोग पानी वाली टंकी वगैरह लगवा रहे हैं और नल और टूटियाँ वगैरह जो है ना लगवा रहे हैं, तो टूटियाँ वगैरह जो है ना कल रात को जो है ना 10 बजे तक हमारा काम जो है ना कम्प्लीट हो गया था और लाइट बिल्कुल ही नहीं आई थी, वो काफ़ी देर से आई थी, 12 बजे आई थी, तो हम लोग इंतज़ार करते करते सो गए, एकदम अचानक 12 बजे लाइट आई थी एकदम आग के लिए, तो बल्ब वगैरह भी ऑन किया हुआ था। मैं फिर फौरन उठा, फौरन उठने के बाद जो है ना मोटर वगैरह चलाई, चेक किया कि ड्रम में जो है ना पानी वगैरह जाता है या नहीं जाता, क्योंकि वो तो काम करके अपना चला गया था प्लम्बर। खैर मैंने जैसे मोटर वगैरह चलाई पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, नहावा के फिर जो है ना सो गया और सुबह उठे। तो परवीन बर्तन धोने में कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है। वैसे भी हाथ में दर्द था, बार बार तकलीफ होती थी, जल्दी धुल गए थे ना? और तुम्हें बेटा कैसा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सुबह मैंने नल पे बर्तन धोए थे, जल्दी धुल गए थे बर्तन, दोबारा सिमर। मैंने मना भी किया था ना कि यहाँ पे जो है ना अभी बर्तन नहीं धो, बारिश ही होती रही, मौसम वैसे प्यारा है, मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा है और माशाल्लाह ठंडा हो गया है। आज बाजी कह रही थी पिकनिक पे चलते, तो ये देखें माशाल्लाह जी ये हमारी टूटी पे लग गई है। वैसे मुझे यहाँ पे लगवानी थी, इधर इसलिए लगवाई थी ना, रक्षा पीछे आता ना बाइक होकर ये टूट नहीं जाए, यहाँ बैठ के धोना भी एक मुश्किल है, टैंकी है ना, एक टैंकी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बर्तन भी धुल जाते हैं, बार बार टैंकी का ढक्कन खोल के ये बच्चे आके फिर टैंकी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, देख लेते हैं मुझे डर है क्योंकि टैंकी का ढक्कन जो टूटा हुआ है, आराम जाके टूटी खोलेगा और इसको पकड़ के ऐसे उठाता है। परवीन अब थोड़े थोड़े हालात बेहतर हो गए ना, थोड़ा थोड़ा मिलजुल के काम करेंगे, आपको पता है इस पे जो है ना काफी सारे टाइम पैसे लग रहे हैं, आई समझ बात? मैं तो समझ रहा था कि ये खाली सामान जो है ना 2-2.5 हजार रुपए का आ जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, थक गया हूँ परवीन, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं बैठ, तो बात यह है जब ये सामान ले गए, कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, पता नहीं कितना बिल बना, उतना बिल जाके बना, फिर एक पैप का टुकड़ा और एक साकेट रह गया था वो लेके आया, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 250 रुपए का कार आ था, 230 का वो मैंने साकेट वगैरह लिया, फिर आके इसको बनाया लगाया। मेरे यार हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ये बार बार कह रहे हैं गिलास दे दो नल खोल के नहा ले, टच इसको बहुत मजा आ रहा है, टैंकी भी पूरी खाली कर दी है ना आज, तो आज से सुबह उठाए पहले मुंह धोए पाँव धोए, अभी आए काम से खाना वाना खा के पाँव धोए हाथ धोए मुंह धोए, कह रहे हैं टूटी पे मजा हो रहा है इसको हाथ में धुलवाए। वैसे टूटी पे जो है ना एक अलग ही मजा होता है, ढकना खोलो भरो भरो, वो बैठना पे नीचे भरो, फिर यहाँ पे पानी भी, मुझे टैंकी का यही लगता था ना कि साफ नहीं होता, जिसके टैंक ये ताजा ऊपर फ्रेश पानी जा रहा है इसका ज्यादा ही अच्छा लगता है, रात को एक दिन भी जो ताजा ऊपर भर के परवीन ना आया ना मुझे खुजली भी नहीं यार, एक दाना खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, ये बेचारा हर वक्त दिखाता है, ये देखो सारे इसको निकल रहे हैं इधर से भी, देखो ये हाथ पूरा भर रहा है, ये है ये भी है सारे मेरे सूखते आ रहे हैं, आसिफ के भी पूरे फट गए, आसिफ बताता नहीं है हमें, अभी आए खाना खाए देखे जैसे आके को है ना, आसिफ को भी ऐसे मेरे सूख रहे
आपके सूख रहे हैं और दवाई लगातार पियो बेटा। खड़ा कैसे? और अभी रक्षा चला नहीं रहा, इसकी हाउसिंग जो है ना कटी हुई है, कहीं भी जो है ना धोखा हो सकता है। और आप लोग काफी सारी दुआएं क्या करें, आप लोगों के लिए हम लोग भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हमारी वीडियो देखते हैं और जो हमारे बहन भाई हमारी फुल वीडियो देखते हैं, आगे लिंक शेयर कर देते हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ना इसकी बात कर रहा था, इसकी हाउसिंग पता नहीं क्या, जब ऊंचाई पे चढ़ता है तो इसके गियर जो है निकलते नहीं, गियर जो है ना फंस जाते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक, मैं भी दुआ करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक सिया दे, तंदुरुस्ती दे, थोड़ा सा रक्षा चला के कम से कम 300-400 रुपये जो है ना बना के ले आओ, कमा के बच्चों के लिए दूध और सब्जी के पैसे। परवीन बस दुआ करो गर्मियाँ थोड़ी खत्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद कुछ काम वाम भी करेंगे। तो अभी तो बस इंसान ख्वाब ही नहीं सोच सकता है, या तो एक टाइम था इतनी सब्जी थी खा खा के आप लोग सब्जी से थक गए थे, वो था गांव जहाँ पे भिंडी तुरी बैगन खत्म ही नहीं होता, रात दिन मछली भी होती थी, मछली काफी ज्यादा होती थी, और आसे भी पकड़ के ले आता था, आरे भी पकड़ के ले आता था, इनका तो काम ही था, स्कूल से आते ही कुंडी हाथ में लेके नहर पे बैठे होते थे, सुबह भी चले जाते थे स्कूल जाने से पहले। तो जो है ना इस रक्षा भी अच्छा खासा पैसा मांग रहा है, इसको भी थोड़ा बनवाना है, तुम लोगों के लिए आसानी के लिए जो है ना पानी बार बार बाथरूम भरते थे, गर्मी में नहाते थे, गर्मी लग रही है और वहाँ टैंकी होती है तो इंसान नल खोल के जो है नहा लेता है। अभी एक काम और रह गया, वॉशरूम का गेट। हाँ वॉशरूम का गेट भी रह गया बेटा, अब वो पूरा झड़ चुका है। हाँ झड़ चुका है, ये देखिए पहले इतना था पहले और अभी देखें पूरा झड़ चुका। जब भी कोई आता है तो यहाँ से उसको पहले बोलते हैं कि आप रुक जाओ अभी हम बाथरूम में, कोई भी मेहमान आता है ना उसको बाहर जाना रोक के। और इसकी कुंडी भी नहीं है ना अंदर से, मैं दिखाती हूँ, ये देखें टूट गई है बेटा सब कुछ, देखें कुंडी भी नहीं है कि अंदर से बंदा कुंडी लगा ले। बेटा आज तक हालात बेहतर हो गए, हर चीज एकदम नहीं हो सकी, सबसे पहले अगर बनवाए भी ना तो इसको बनवाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़े थोड़े हालात बेहतर होंगे तो बेटा आज तक करके बनाएंगे। बस दुआ करो अल्लाह पाक सेहत दे, मुझे तंदुरुस्ती दे, कमाऊंगा तो कुछ लगाऊंगा, यानी इसके ऊपर इतना दुआ करो, पहले जैसे कमा के लाता था ना। और हमारी दीवारें भी झड़ गई हैं, अभी आंटी आई है वो कहती है कि एक नल ना आप लोग इधर लगवाते, इस तरफ वो बराबर वाली आई थी, देख के गई थी, मैंने कहा आपने दीवार देखी है हमारी। हाँ वो इसलिए कह रही होगी ना, कहती है यहाँ पे सब्जी भी धो लेती ना, तो कहती है उधर लगवाई है वॉशरूम में लगवाई, एक नल यहाँ लगानी चाहिए थी, फिर मैंने कहा इधर आओ, कहती है क्या, मैंने कहा दीवार देखो इतने बड़े बड़े सुराख है, अभी भी तवा रखते है ना मट्टी झड़ के नीचे गिरती है। अल्लाह पाक ने इतना भी ये घर दिया है ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है जितनी गर्मी होती है हफ्स होती है, कुछ लोग नीचे सो जाते हैं, कुछ ऊपर सो जाते हैं, तो बस छोटे छोटे से ख्वाब इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो जल्द से जल्द जो है ना पूरे होंगे। अब आपको पता है जो मेहनत तुम्हारी माँ मैं तुम करके लाते हो उसमें जो है ना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब मेरी दवाई भी जिगर की आपको पता है खत्म हो रही है, पता नहीं कितनी गोलियां रह गई जिगर की, पता नहीं मैंने नहीं देखी, खत्म होने वाली है। बस ये लास्ट डब्बी थी उसमें भी एक पत्ता था उसने खा लिया बेटा, थोड़ी सी चंद खा ली वो भी। हाँ। देख लो ना। और नहीं है मजीद, खत्म हो गई, देखी है मैंने, नहीं है एक या दो गोली रह गई। अब वो है 21-22-23 रुपए की वो भी आती है, शायद हो सकता है आप रेट बढ़ भी गया हो, तो अब वो दवाई भी लेनी है आपको पता है। और गैस का बिल जो है ना ड्यू कर दिया है, 1800 कितने रुपए आया था, 1850 रुपए। हाँ वो बिल भी ड्यू कर दिया, अब बिजली का बिल भी आने वाला है,
तुम्हारे जो है ना दो भाइयों की फीसें रह गई हैं, उनके कोर्स रह गए, इस महीने बड़े बड़े खर्चे हैं, अब क्या होने वाला है? मुझे सोच सोच के टेंशन से जो है ना चक्कर आने लगते हैं, और मेरी तनख्वाह जो थी एडवांस पहले ले आया था, और बस उसमें से 3-4 हज़ार रुपये अमेरिका में 4,450 रुपये बचे जिनमें लिए तनख्वाह मुझे, आज जो है ना लेके आया, वो भी यही होगा कि कोई कुछ सब्जी वगैरह आ जाएगी, कुछ ये सामान आ जाएगा, अब देखो नेक्स्ट टाइम जो है ना क्या होता है, लेकिन अल्लाह पाक मौसम जो है ना बेहतर रखे, बेहतर रखेगा तो हर काम होंगे, तबीयत बेहतर रहेगी। गर्मी मौसम तो अभी भी बेहतर है, लेकिन बारिश नहीं बस बेटा, बारिश बरस रही है इसलिए तो ठंडा है, वरना तो इंसान गर्मी से, आपको पता है काफी सारे लोग कराची में मरे हैं बहुत तेज गुलम की गर्मी की। अभी तो पूरा महीना बताइए बारिश, अल्लाह करे होती रहे, जितना मौसम बेहतर होगा ना उतनी ज्यादा कराची की बीमारियां धुल जाएंगी, आप पड़ रही यानी कि फिजा में धुआं है, ऑक्सीजन लेने में जो है ना सांस का मसला हो रहा है, वो बेहतर हो जाएगी, धुल जाएगी। तो प्रवीण जी कपड़े वगैरह धो रही है पुरानी जगह पे बैठ के, खंगाल ने मेरे ख्याल में उतारी जाएगी, बस ये मट्टी प्रवीण फाक के बाहर ही फिकवा दो यार, बस मेरे अंदर वो आसिफ कह रहा था कि मैं यहां पे ठीक बना दूं, आप बेचारा गिर जाता है चोट वोट में, तो फिर आप उठा के मुझे मामा जी का काम मत ले, पर बन के फेंकता तुम कहां, तुम्हारे हाथ का हाल नहीं, तुमने फेंको बस सुबह हम खुद फेंक लेंगे, तुम्हारे हाथ का देखो क्या हाल हुआ, हाथ दिखाओ अभी भी तुम्हारे हाथ सही नहीं, क्यों दिखाओ जख्म दिखाओ, इसके हाथ को जख्म कब जाएगा, ये हाल है अभी तक इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा, इसके साथ साथ मुझे भी कुछ नहीं हो रही है, तो जो है ना मैं इसी के साथ चाहूंगा इजाजत, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।